मैं कब इनसे आइए गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग बैठ जाइए। थैंक यू सर बाना आप मास्क के साथ बात करेंगी मास्क हटाकर सो इट्स क्वाइट डिस्टेंस उतार सकती हूँ मैं ठीक है उतार लीजिए थैंक यू सर आप अपना परिचय दीजिए जी सर मेरा नाम भावना सांखला है मेरा ग्रेजुएशन नागौर है और मेरी विद्यालय शिक्षा नागौर में ही पूरी हुई है और मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से बीडीएस किया है और राइट नाउ आई एम सिक्स मंथ प्रेग्नेंट तो प्रकृति के सृजन का हिस्सा बनकर मैं बहुत ही खुश महसूस कर रही हूँ ओके वेरी गुड आप डेंटिस्ट हैं प्रैक्टिस भी करती हैं जी सर आपके नागौर जिले में मेथी की अच्छी उपज होती है जी सर एक डेंटिस्ट के तौर पर मेथी की क्या उपयोगिता है सर इसके बारे में क्या क्या दांतों को स्वस्थ रखने में इस तरह की चीजें काम आती है सर इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं कोई आइडिया नहीं आ, क्या आपको लगता है कि हम डेंटिस्ट्री का जो कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है उसमें हमारे जो प्राचीन ज्ञान के जो स्रोत हैं उसका इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं अभी पूरी तरह से ये वेस्टर्न कोर्स पर आधारित है जी सर ऐसा है कि ये पूरी तरीके से अभी वेस्टर्न कोर्स पर आधारित है जो इसमें आयुर्वेदिक जो अपन लेते हैं ज्ञान उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट्स या इंग्रेडिएंट्स क्या मतलब दांतों के स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी है जैसे हमारे लॉन्ग है वो दांतों की सेहत के लिए अच्छा होता है तो यूज़ होता है क्लो ऑयल बट स्टिल उसका मतलब इतना प्रचलन में नहीं है और इतना जो आयुर्वेदिक और अन्य प्रोडक्ट्स हैं वो उतने प्रचलन में प्रचलन में नहीं है तो क्या कारण है क्या आपको लगता है कि कोर्स डिज़ाइन करने वाली जो संस्थाएं हैं भारत में वो मौलिक शोध की उनमें चेतना की कमजोरी है नकल की प्रवृत्ति में ज्यादा है सर ऐसा नहीं कहा जा सकता बट हाँ इसको एक बार रिव्यू किए जाने की आवश्यकता है कि हम अपने मौलिक ज्ञान को भी इसमें इंक्लूड करें तो बेहतर होगा ठीक है नागौर जिले में प्रथम आधुनिक पंचायत का उद्घाटन हुआ था। जी सर आ, बता सकते हैं कि किन किन पदों के लिए चुनाव किए गए थे किन किन पदों के लिए चुनाव किए गए थे उस समय पंचायत स्तर पे जो पदाधिकारी होते हैं जी सर जी सर। तो सर उस समय त्रिस्तरीय पंचायत पंचायती व्यवस्था जो अभी भी विद्यमान है तो पहले स्तर पर ग्राम पंचायत फिर पंचायत समिति देन जिला परिषद तो ग्राम पंचायत स्तर पर सर सरपंच और पंच का चुनाव होता है पंचायत समिति स्तर पर प्रधान उप प्रधान और वार्ड मेंबर का चुनाव होता है और जिला परिषद स्तर पर जिला प्रमुख उपजिला प्रमुख और जो वार्ड के मेंबर है उनका चुनाव होता है सर तो एक स्वाभाविक प्रश्न है कि चूंकि नागौर पे प्रथम आधुनिक पंचायत का उद्घाटन हुआ तो प्रथम आधुनिक प्रधान के पद पर कौन से व्यक्ति विजयी हुए जी सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है ठीक है भावना भावना जी सर आप नागौर से हैं या राजस्थान में सबसे जो सदर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है उसका क्या नाम है राजस्थान में सदर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट सर डूंगरपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर है या बांसवाड़ा है बांसवाड़ा बांसवाड़ा है अगर नागौर से आपको बांसवाड़ा जाना हो तो मिनिमम कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरना पड़ेगा सर एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगी पाँच कौन कौन से हैं एग्जैक्ट नहीं बता 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 सकती बट मैं प्रयास करना चाहूँगी सर आ, ये नागौर अजमेर भीलवाड़ा फिर तोड़गढ़ होते हुए फिर उदयपुर ये सात आठ जिला आपने बना दिया बता दिया सर एग्जैक्ट रा, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का क्षेत्रफल तीन लाख बयालीस हजार दो सौ उनचालीस जनसंख्या कितनी है राजस्थान की छह करोड़ पिचासी लाख अड़तालीस हजार चार सौ सैंतीस सर राजस्थान को अगर जनसंख्या के दृष्टि से अरेंज किया जाए तो भारत के विभिन्न राज्यों में इसका क्या क्रम होगा सर राजस्थान आठवें स्थान पर आता है जनसंख्या की दृष्टि से देश में जी सर सबसे अधिक लिंगानुपात जी सर किस जिले का है और सबसे अधिक लिंगानुपात वाले पांच जिले कौन से हैं राजस्थान के सर सबसे राजस्थान में सबसे अधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का है और क्रम में बताना चाहे तो डूंगरपुर पहले स्थान पर दूसरे स्थान पर राजसमंद और फिर पाली एंड देन प्रतापगढ़ इतना कन्फर्म है जी सर कन्फर्म है अच्छा ये बताइए कि नागौर की भूमिका क्या रही है राजस्थान के ग्रोथ में सर नागौर पंचायती राज की व्यवस्था का जो उद्घाटन यहीं से ही हुआ था तो पंचायती राज की स्थापना में नागौर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है उसके अलावा सर नागौर जो हमारे राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें खनिजों का बहुत योगदान कौन है? से खनिज पाए जाते हैं नागौर में सर जी सर नागौर में जिप्सम पाया जाता है अधिकता में उसके अलावा मार्बल पाया जाता है लाइमस्टोन, लिग्नाइट पोटाश और टंगस्टन ये सभी खनिज प्रमुखता से पाए जाते मार्बल क्या होता है किस तरह की चट्टान है मार्बल सर ये अवसादी चट्टान थी जिसका मेटामॉर्फोसिस मेटामॉर्फोसिस हुआ तो इसे विशेषता क्या होती है सर ये कुछ प्रकृति के कारकों की वजह से जो आग्नेय या अवसादी चट्टानें होती हैं उनका वो परिवर्तित हो जाती है उनका कायांतरण हो जाता है कायांतरित चट्टानों में अभी यही रिकॉल कर पा रही हूँ सर मार्बल के अलावा कौन कौन सी और दो चार कायांतरित चट्टानों के नाम बता सकती हैं सर मैं श्योर नहीं हूँ बट आई थिंक ग्रेनाइट और नीस होना चाहिए ग्रेनाइट आई एम नॉट नॉट श्योर श्योर सर यू आर sure. अरावली का विस्तार राजस्थान में कितने जिलों में है जिले मैं एकदम से रिकॉल नहीं कर पा रही सर वैसे किन किन राज्यों में है अरावली का विस्तार सर आ, ये गुजरात से स्टार्ट होती है देन राजस्थान देन हरियाणा और फिर दिल्ली की रायसीना हिल्स पे मतलब इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर कितनी हाइट सर अभी नहीं कर पा रहे अच्छा ये बताइए कि दांतों की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है अभी प्रॉब्लम तो हर जगह हर चीज की बढ़ती जा रही है तो दांतों की प्रॉब्लम के बढ़ने में किसी खनिज की भूमिका है या किसी एलिमेंट की भूमिका हुँती? फ्लोराइड फ्लोराइड राजस्थान में कहाँ कहाँ ये समस्या है फ्लोराइड की सर ये नागौर अजमेर और ये जो उस साइड के क्षेत्र हैं उनमें अधिक फ्लोराइड क्यों नागौर में क्यों है फ्लोराइड कि सर यहाँ के भूमिगत जल में ही फ्लोराइड अधिक मात्रा में पाया जाता है तो और ये जल की समस्या से ग्रसित जिला है तो पहले तो नहीं था ऐसा अभी कुछ दशकों में हुआ है फ्लोराइड की समस्या बढ़ी है यूरेनियम की समस्या बढ़ी है तो ये तो पहले नहीं थे अब ये समस्याएं प्रोमिनेंट होकर क्यों उभर रही हैं सर पहले भी जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि पहले भी कुछ हद तक थी फिर अभी खनन उद्योगों की वजह से ये जो एलिमेंट्स हैं इनका भूमिगत जल में रिसाव अधिक हुआ है इसकी वजह से यहाँ के भूमिगत जल में फ्लोराइड का कंटेंट अधिक पाया जाता है ठीक है आखिर ये बता दीजिए कि नागौर के विशेष रूप से नागौर की कौन कौन सी चार ऐसी समस्याएं हैं जिनको अगर आप एस बनने के बाद नागौर में जाती हैं तो सबसे पहले एड्रेस करना चाहेंगे चार समस्याएं प्रायोरिटी बेस पे जी सर नागौर एक सबसे पहली समस्या तो सर नागौर एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला जिला है तो यहाँ पर वर्षा आधारित सिंचाई पाई जाती है तो सिंचाई के साधनों का अभाव है यहाँ पे मुख्य तौर से अच्छा ठीक है दूसरा आ, दूसरी समस्या सर यह है कि यहाँ पर जो पेयजल की कमी आ, से ग्रसित है ये जिला क्योंकि यहाँ पर लो रेनफॉल पोअर की समस्या ही होगी हाँ और फ्लोराइड की समस्या है सर इसमें यहाँ पर तीसरा सर यहाँ पर मुझे लगता है कि जेंडर इनइलिटी की समस्या महिलाओं को लेकर जो भेदभाव है वो समस्या मुझे ज्यादा महसूस होती है सर और इसके अलावा मुझे लगता है सर नागौर में जनसंख्या के अनुपात में जो संसाधन है शिक्षा शिक्षण संस्थान या चिकित्सकीय जो व्यवस्थाएं वो उतने अनुपात में जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुपात में कितना अनुपात होगा इसमें शिक्षक और छात्रों का नागौर में Uh, सर शिक्षक और छात्रों का अनुपात मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ इस बारे एक आदर्श अनुपात कितना होना चाहिए सर इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है ठीक है सर भावना जी जी सर अपने राजस्थान में लोक विश्वास की भावना है कि मान लीजिए हम किसी मंदिर जाते हैं तो हम मंदिर जाने के पीछे हमारा उद्देश्य है कि कोई ना कोई हमारी बीमारी है तो ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनके मंदिर में जाने से कोढ़ बीमारी ठीक हो जाती सर ये नागौर में ही बुटाटी में है एकदम सर मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रही उनका चरण दास जो बुटाटी में, जी का नाम सुना होगा आपने ये मंदिर कहाँ पर है मालपुरा टॉप मालपुरा टॉप यहाँ जाने से भी ये बीमारी ठीक होती सर इसका मुझे आइडिया नहीं रा, रा, है नागौर में बुटाटी जिले में चरण दास एक शब्द सुनते हैं हम राजस्थान में रिकतीय भैरू ये क्या है ज्यादा तो मुझे जानकारी नहीं है पर हाँ भैरव जी के ही किसी मतलब पर्टिकुलर नहीं राजस्थान के लोग मानते हैं कि जो नवजात शिशु है वो ज़्यादा रोता है या बिस्तर पर पेशाब कर देता है तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं रीग दिए भैरव ठीक है, है कोई बात नहीं ये बताइए कन्यावध क्या है कन्यावध मतलब ये फी, फिटिसाइड फीमेल फिटिसाइड की सर इसमें सेक्स सेलेक्शन के थ्रू आप पहले से ही जो लिंग जानकर उसको न, फीमेल फिटस को ही अगर आप खत्म कर देते हैं दैट इज uh, तो इस पर कोई कानून है? बना हुआ है जी सर इसके लिए पीसीपीएनडीटी uh, एक्ट है।, है राजस्थान की कौन सी ऐसी रियासत थी जिसने सबसे पहले इस पर रोक लगाई थी सर एग्जैक्ट uh, जानकारी नहीं पर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ कोटा ठीक है आबियाना एक शुल्क हुआ करता था ये क्या है सर ये uh, सिंचाई पर लिया जाता था कहाँ किस एरिया में तो जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ मारवाड़ क्षेत्र ही है सिंचाई राजस्थान में गंग नहर की स्थापना कहाँ हुई किसने की सर गंग नहर गंगा सिंह महाराजा गंगा सिंह जी ने की थी इससे गंगानगर जिले की आ, आ, तो वही जो आबियाना शुल्क ये होता था कि किसानों से पानी के बदले शुल्क लिया जाता था उसे शुल्क को कहते थे आबियाना ठीक है अच्छा ये बताइए कि हमारे राजस्थान में एक नृत्य किया जाता है जिसे कहते मीठी खुजली तो इसके बारे में चलिए ढोल नृत्य तो सुना होगा हम किया जाता ढोल नृत्य चलिए कोई बात है मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा अच्छा रही राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं पुष्कर सर श्री मातृकुंडिया क्या है सॉरी सर वो मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में है दैट इज आल्सो कॉल्ड मातृकुंडिया मेवाड़ की पुकार किसे कहते हैं मेवाड़ की पुकार सर मैं एग्जैक्ट नहीं रिकॉल कर पा रही हूं पर ये शायद माणिक्यलाल वर्मा जी की जो प्रजामंडली आंदोलन के दौरान एक पुस्तक या कुछ थी उसका नाम मेवाड़ की पुकार था सर मैंने तो कुछ और पढ़ा है इक्कीस सूत्री मांग पत्र पेश किए गए थे उन्नीस में चलिए कोई नहीं एक सभा हुई थी कटराथल सभा श्रीमती किशोरी देवी के नेतृत्व इसका उद्देश्य क्या था सर ये उन्नीस में शेखावटी क्षेत्र में आयोजित हाँ सीकर में तो 10,000 महिलाओं का सम्मेलन इसमें महिलाएं आई थी तो उस समय जो किसान आंदोलन के रूप में शेखावटी में जो जागीरदारों का सामंती प्रता का उन्मूलन करने के यहाँ भाषण किसने दिया था सर, नहीं, कर पा ये बताइए क्या होता है, थीक थीक है।, है तो। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना हाल ही में शुरू की गई इसके दो मुख्य बिंदु मुझे बता दीजिए सर यह योजना जो पीएम एम मातृबंधन योजना है उसे कॉम्प्लीमेंट करेगी इस योजना के तहत दूसरे बच किसी महिला का दूसरे बच्चे के तहत भी उसे जो वित्तीय सा, जो सहायता दी जाती है ताकि वो अपनी पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सके तो उसके तहत इसे इसमें छः हज़ार रुपये का प्रावधान है, किया कितने राजस्थान के कितने जिलों में इसे शुरू किया गया सर इसे जो राजस्थान के जिले में जिनमें न्यूट्रिशनल इंडिकेटर कम पाया गया उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ उत्तरी राजस्थान के जिलों में क्यों नहीं शुरू किया गया सर वहाँ पे न्यूट्रिशनल इंडिकेटर और एनीमिया शायद लेवल उतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि इनका सिलेक्शन उसी बेसिस पे हुआ था भावना पीएम कुसुम योजना क्या है सर, सर था। 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 पीएम कुसुम योजना पीएम किसान ऊर्जा संरक्षण एवं उत्थान महाअभियान योजना है इसके द्वारा सर कृषि में सौर ऊर्जा के लिए सोलर पंप लगाने के लिए व्यवस्था की गई है इसके अलावा जो किसानों की जो बंजर भूमि है वहाँ पर भी आ, मतलब वो अपने ग्रिड लगा सकते हैं और सोलर ग्रिड के माध्यम से अपनी आय भी अर्जित कर सकते हैं और अपनी बिजली आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं साथ ही साथ इसे बेचने की भी व्यवस्था कर सकते हैं जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी साथ ही साथ ही नवीनीकरण ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा किसानों में असंतोष काफी बढ़ गया है और वो आंदोलन के रास्ते पे चल रहे हैं आ, सरकार की अपनी रणनीति है कृषि के बारे में कृषकों की आय बढ़ाने के बारे में उत्पादकता बढ़ाने के बारे में किसानों की अपनी एक अलग समझ है ये इतना व्यापक अंतर क्यों है सरकार के दृष्टिकोण में और किसानों के दृष्टिकोण में सर निश्चित रूप से जो अभी तीन कानून लाए गए हैं वो किसानों की आय बढ़ाने के लिए लाए गए हैं परंतु मुझे लगता है कि उसमें आ, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप रहा कि आ, किसानों को अगर हम उनके जो वो लूप होल समझ रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था समाप्त हो जाएगी या आई मंडी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी तो जबकि सरकार कह रही है ऐसा कुछ नहीं तो ऐसा उनको एक प्रॉपर कन्वर्सेशन उन्हें विश्वास में लेने की आवश्यकता है क्योंकि आ, किसान हमारे देश के आ, बहुत ही बड़ा वर्ग है तो उनको विश्वास में लेकर फिर और उन्हें पूरी तरीके से आश्वस्त करने की आवश्यकता है कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था इसमें नहीं होगी और अगर वो कोई समस्या इंडिकेट करते हैं तो मेरे हिसाब से सर उनके हिसाब से अगर वो जेनुअन समस्या है तो उसमें संशोधन भी किए जाने की आवश्यकता अच्छा भारत में जनसंख्या की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसलिए सारे प्रयास फीके नजर आते हैं जी सर हम स्कूलें ज्यादा से ज्यादा खोल रहे हैं लेकिन चूंकि बच्चों की संख्या बढ़ रही है इसलिए वो स्कूल कम पड़ जाते हैं शिक्षकों की नियुक्ति हम कर रहे हैं लेकिन बच्चों की संख्या स्कूलों में बढ़ रही है इसलिए शिक्षकों की कमी महसूस होती रहती है ये विभिन्न स्तरों पर होता जा रहा है अगर हम जनसंख्या को नहीं रोकेंगे तो चाहे जितने भी संसाधन का विस्तार करते रहें सुविधाओं का विस्तार करते रहे वो हमेशा कम ही नजर आएंगे तो क्या करना चाहिए कि हम जनसंख्या को एक सीमा पे रोकें और उसको कम करें जनसंख्या नियंत्रण के लिए आ... शिक्षा की आवश्यकता है ताकि लोग जागरूक बने कि आप हमें दो बच्चे ही रखने हैं उसके यहाँ पर एक प्र... भी प्र... मतलब मानते हैं कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा कमाई होगी तो इस प्रकार की जो ये जो मान्यता है इस प्रकार की मान्यता को रद्द किया जाके शिक्षित शिक्षा से ही इसका समाधान संभव है उसके अलावा देखा जा रहा है कि शिक्षित लोगों के भी बच्चे दो से ज्यादा हो रहे हैं जी सर युवाओं में भी न सिर्फ पुरानी पीढ़ी के लोगों बल्कि नए दंपत्तियों में भी जो पढ़े लिखे हैं फिर भी बच्चे तीन चार होते हैं जी सर ऐसा भी देखा गया है तो इसके बारे में सर ये अधिकतर उस समय देखा गया है कि जिसमें बेटे की चाह में लोग इस तरीके से करते जाते हैं तो उसमें हमें बेटियों के प्रति भी सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए समाज में इस प्रकार के प्रयास करने की आवश्यकता है जिस प्रकार बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है अभियान है इस प्रकार के अभियान चलाकर समाज की सोच में परिवर्तन की सर आवश्यकता है लेकिन एक दूसरी प्रवृत्ति दिख नहीं रही मतलब नौकरियों में लड़कियों की महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के बजाय पिछले कुछ वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है कि श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी दर गिरती जा रही है ऐसा क्यों हो रहा है सर इसके बारे में मुझ तक मैं समझ पा रही हूँ मुझे ऐसा लगता है कि सर आ... लड़कियां शिक्षा में आगे ही रहती हैं हमेशा हम देखते हैं कॉलेज में टॉप करती है टेंथ ट्वेल्थ की मेरिट लिस्ट में भी उनका नाम रहता है पर सर उसके बाद में जो शादी की वजह से उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ती है या उसके बाद में प्रेगनेंसी को लेकर या बच्चों को लेकर उन्हें कैरियर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है सर पर उसकी वजह से सर ये भी एक और परिवार की जिम्मेदारी के लिए उनको ही जेंडर इक्वलिटी नहीं है तो यहाँ पर डोमेस्टिक वर्क ऐसा माना जाता है कि लड़कियों को ही करना है तो ये सोच भी इस तरह की सोच के कारण शायद ये महिला भागीदारी था घट रही है ठीक है भावना आपसे बातचीत करके अच्छा लगा अब आप जा सकते हैं थैंक यू सर थैंक यू आइए बैठिए क्या मूल्यांकन है कैसा रहा परफॉर्मेंस कहाँ कहाँ चीजें सही है सर मुझे लगा थोड़ा राजस्थान के सांस्कृतिक उसमें थोड़ा सा वीक तो वक्त आपके पास ज्यादा है तो आप एक्सप्लिसिटली ये मेंशन भी कर रही हैं कि आप सिक्स मंथ प्रेग्नेंट हैं दो महीने के बाद अगर आपका इंटरव्यू आता है तो एक्सटेंशन देंगे कि सर मैं प्रयास कर रही हूँ कि मैं एप्लीकेशन दूं आर में कि मैं मुझे पहले कंसिडर करें ड्यू टू थर्ड टाइम में ट्रेवलिंग थोड़ा सा रिस्क है है ठीक तो तैयारी करिए और ज़्यादा स्ट्रेस लेकर तैयारी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज्ञान का परीक्षण तो पी टी में हो ही गया है अब तो सिर्फ व्यक्तित्व का परीक्षण है और व्यक्तित्व तो आपका कई मामलों में आकर्षक है तो उस पहलू से आप आश्वस्त रहिए तथ्य नहीं आते हैं तो उसको लेकर थोड़ी बहुत चिंता कर सकती हैं पढ़ाई जितनी कर सकती हैं स्वाभाविक तौर पर बिना स्ट्रेस लिए उतना करिए लेकिन ध्यान साक्षात्कार पर इन बात का रखना है कि ज्ञान हम चाहे जितना भी बढ़ा लें कुछ चीजें रही जाएंगी राजस्थान के बारे में आप जितना भी ज्ञान अर्जित कर लें सवाल पूछने वाले को कुछ ना कुछ ऐसे सवाल मिल ही जाएंगे जहां आप रह जाती है तो ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है कि आपको कोई चीज नहीं आती है लेकिन फिर ये व्यक्तित्व की अच्छी छवि नहीं छोड़ता कि आपको नहीं आता है वो तो ठीक है लेकिन आप गलत प्रयास करती हैं। ओके okay, सर इससे बचना है तो इसका एक सामान्य सूत्र ध्यान रख के चलना है कि पंद्रह बीस पच्चीस मिनट के जितना भी इंटरव्यू है mm -hmm. उसमें पच्चीस तीस प्रश्न उठेंगे उसमें अगर 10 परसेंट या 15 परसेंट मामलों में आपको कहना पड़े कि मुझे नहीं आता ये क्षमा करें माफ करें ये मुझे नहीं याद याद नहीं आ रहा इस नहीं को आप बोलने के आठ दस स्टाइल सीख ले अभी ध्यान नहीं आ रहा है आ, मुझे नहीं आता मैं कोशिश कर रही हूं लेकिन अभी एकदम से नहीं आ पा रहा है लेकिन आप चार पांच छह स्टाइल में बोलें अपनी तर्कस में उसको रखें और तीन चार मौके पे बोलिए ओके okay. उससे दो चीजें साबित होती हैं एक तो आप बौद्धिक तौर पर ईमानदार हैं mm -hmm. कि आपको जो चीज नहीं आती है आप बोलती हैं कि नहीं आती है दूसरी चीज ये भी है कि अगर आपको कल को किसी विभाग में एक पद दिया गया और पद में बहुत टीम वर्क है टीम मिलके काम करना है हर काम में आप स्वयं हाथ डालेंगी तो हो सकता है कि कार्य का जो विभाजन का सिद्धांत है उसका उल्लंघन हो जाएगा तो कभी कभी दूसरों को मौका दें कभी कभी आप कौशल रखते हुए भी दूसरों को ट्राई करने की जरूरत होते हैं तो ये भी है कि आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों के प्रति सचेत हैं चैतन्य हैं पता है आपको कि मेरा ये स्ट्रेंथ है तो ये एक आपके लिए ध्यान है कि वो करिए और इससे आपका इंटरव्यू और असरदार बन जाएगा दूसरी चीज़ जो वीडियो देखने से आपको फील होगा वीडियो को तीन चार दफ़ा देखिएगा जब कभी आपको किसी सवाल का जवाब ठीक ठीक नहीं आता है तो आपके चेहरे पे कुछ ऐसे भाव उभरते हैं जो कि अनौपचारिक माहौल के लिए ठीक हो रहता है मित्रों के साथ हैं फैमिली में हैं तो थोड़ा ओठों को घुमा के रिजेक्शन बताया तो ये सब फेशियल एक्सप्रेशन जो है जिसको मुंह बनाना कहते हैं okay. नाना प्रकार के तो मैंने देखा दो तीन तरह के मुंह आपने बनाए जब आपको कोई चीज़ इम्फेसाइज करनी थी या ना कहना था प्रशासनिक परीक्षाओं के इंटरव्यू में उनसे थोड़ा सा बचेगा वो वीडियो बार बार देखिएगा नोटिस करिएगा कहाँ कहाँ है और उसके प्रति बस अलर्ट रहना है कॉन्सियस हो जाना है कि मेरे को अलर्ट होके फेशियल एक्सप्रेशन तो फेशियल एक्सप्रेशन मैनेजमेंट पर थोड़ा सा काम कीजिए और दो तीन जगह सॉरी बोलने के लिए मानसिक तौर पर तैयार रहिए और इस बात का मलाल या चिंता ना करिए कि आपको नहीं आता नहीं।, नहीं आना कोई बड़ी बात नहीं है इंटरव्यू में नहीं आना फैक्ट नहीं आना कोई बहुत बड़ी कमजोरी नहीं मानी जाएगी ठीक है मुझे लगता है बस यही दो चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान रखना है बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं आपका प्रवेश आपका अभिवादन बैठने की अनुमति मिलने के बाद बैठना बैठने की जो भंगिमा है जो पोस्चर है आपका अच्छा है कम्युनिकेशन आपका बहुत तो फ्रैंक है मतलब आप हर तरह के सवालों को बिना झिझक के हैंडल करती हैं तो इससे ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि आपको कोई भी काम दिया जाएगा आप उसमें आगे बढ़कर इनिशिएटिव लेकर नेतृत्व कौशल दिखाएंगे तो ये सारी चीजें आपकी स्ट्रेंथ है और उसी पे आपको फोकस करना और जो एक आध दो वीकनेसेस दिख रही हैं उसको दुरुस्त कर लेना है आप चूंकि डेंटिस्ट हैं तो नेचुरली उधर से सवाल आएंगे आप चूंकि ये बात कह रही हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं तो पॉपुलेशन और मातृत्व सुरक्षा तो से संबंधित प्रश्न भी आएंगे तो उसके लिए तैयारी और भी थोड़ा सा जितने फैक्ट मिसिंग हैं वो सब कर लीजिए आशा है आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी बस एक दो बातों का ध्यान रखिए औसत से बहुत अच्छा परफॉरमेंस होने वाला है आपका कि थैंक यू सर मैं कुछ पूछ सकती हूं सर मतलब मेरे को ये पहले भी लगा कि मैं कोशिश करती हूं कि मेरे को नहीं आता तो भी उसका जवाब देने की मैं कोशिश कर रही पर मतलब अभी मैंने कोशिश की थी कि मैं जिसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है तो मैं अवॉइड किया पर फिर भी मैं ऐसा बहुत ज्यादा कर रही थी क्या सर दो तीन मौके पे जैसे सर ने कोई पूछा था किसी त्योहार के बारे में इस तरह से आपने जो बताया वो गलत निकला अच्छा ओके ऐसा होना नहीं चाहिए मतलब आपको इसका मतलब कि एक तो फैक्ट नहीं पता जैसे रिक्ति है भैरू जी की तो आपको भैरू शब्द आते आपने अनुमान लगाया हाँ, ओके ठीक है फिर कोड़ वाला एक सवाल पूछा था हाँ। तो उसमें आप अपने यहाँ तो चलेगी राजस्थान में और भी जगह बाबा रामदेव के मंदिर में अगर आप कभी जाएंगी या डिग्गी कल्याण जी के मंदिर में जाएंगे तो लोग जाते ही इसलिए हैं कि उनके जो प्रॉब्लम्स है कोड की जो बीमारी है वो ठीक हो जाए और बाबा रामदेव जी का okay, मंदिर सर, तो, हाँ, तो इसके लिए वो है है उनका वाला ना तो तो आपने अपने उसको कनेक्ट कनेक्ट कर दिया हाँ, मैंने तो हम कभी ये नहीं कहेंगे कि आप गलत बोल रहे हैं हम तो चाहेंगे कि आप बोलते जाइए हम्म हम्म सर ओके बस यही सब एक वीडियो देखिएगा तो आपको अंदाजा लगेगा कि किस मौके पे आपने थोड़ी सी लापरवाही बोलने वक्त की बस उससे अलर्ट रहना है जी सर यही दो डायमेंशन है जिसपे सुधार करना है आपको बस बाकी ठीक है क्योंकि मैं ज्यादा मॉक इंटरव्यू दे नहीं पाऊंगी मैं बस नहीं, नहीं, बाकी सब बाकी सब बहुत अच्छा है गे, 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 गे। यू सर